अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है एमटी और आप देख रहे हैं HAFIZ418। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गेम लूप जो कि एमुलेटर है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो लेट्स स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को HAFIZ418 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आई थिंक इधर शो नहीं कर रहा। शो करेगा फिर आपका ही आपको शो करेगा, लेकिन मुझे शो नहीं कर रहा, तो ये हो गया। और अगर आपको मालूम करना है कि आप गेम की वीडियोस कैसे बना सकते हैं, सॉरी गेम्स की नहीं, GTA 5 जो कि गेम है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जो उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, उसमें जो एरर्स हैं उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, और तीसरी वीडियो वो भी मैंने GTA 5 बनाई है, उसमें मोड्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी फ्री में। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है हाउ टू डाउनलोड ओपरा गेमिंग ब्राउज़र है। ओके, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये बढ़िया है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी तफसील दी हुई है, और ये भी बढ़िया है क्योंकि इसमें मैंने दो तीन बार जो भी एरर आए हैं उसे सॉल्व किए हैं। बाकी ग्रेट जी मेल के बारे में और ब्लू स्टैक पर ये भी एमुलेटर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एक इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसमें फ्री फायर खेलता हूँ और ये स्मूथली चलती है, और इसकी मैं स्मूथ पे चलाया है, अल्ट्रा भी चलेगी स्मूथली, वेरी ब्राइट हाई। वो फिर आपकी वो मदर बोर्ड पर भी डिपेंड करते, मदर बोर्ड कह रहा हूँ रैम कह रहा हूँ, तो मैं स्मूथ चलाता हूँ ताकि ना ज़्यादा ये मेरी रैम ली ना ही ज़्यादा हुआ मेरा पी सी इतना भारी करे, तो ये हो गया। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये ओपरा गेमिंग ये ब्राउज़र है, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा कि कैसा ब्राउज़र है, और नेक्स्ट टाइम भी मैं यही यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ आपने लिखना है GameLoop, सिर्फ आपने ये लिखना है और फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, ये एंड्रॉयड के लिए बताया गया मोस्ट डाउनलोडेड एमुलेटर जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपने जान ली वो करने सेव करने आप वहाँ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ सेव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले से ये किया हुआ है तो फिर भी मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये स्टार्ट हो गया, 100% हो गया, आपने यहाँ डबल क्लिक करना है तो ये लोडेड हो। ओके, तो हमने स्टार्ट पर क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होगा, लेकिन मेरा पहले से है जिसकी वजह से ये इन्होंने यही ओपन किया ना वगैरह करके लिए इसलिए सही तरीके से चलो। तो इसमें मैंने गेम्स डाउनलोड की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं माई गेम्स में फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये मैंने गेम्स नहीं डाउनलोड की। तो मैं इनमें इसे प्ले जब करता हूँ सेटिंग्स बताएंगे गेम्स की जो भी आप देखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त है और आपको भी ज़बरदस्त लगेगी, ये बहुत ईजीली है, और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको गेम्स डाउनलोड करनी है तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वहीं पर। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गेम डाउनलोड करना है सभी सब लेने या कोई ऐसी गेम लेने या डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना। या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी बताए जाते हैं कि कैसे डाउनलोड हो सकते हैं, तो मैं इसे पास कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। डाउनलोड होगी और टाइम लेगी क्योंकि फ्री फायर पबजी वगैरह में ये टाइम ही लेती है। तो आई थिंक अगर आप फ्री फायर प्ले रहे हैं या पबजी के लिए अगर आप पबजी प्लेयर हैं तो आपके लिए आई थिंक
की जबरदस्त रहा है। वहां समुद्री चली गई यहाँ आगे पबजी मोबाइल थोड़ी हैवी चलती है, समुद्री इतनी नहीं चलती। तो अगर आप इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे तो आई थिंक हो जाएगी। और कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे पीसी प्रोसेसर पूरा i5 है और 3rd जनरेशन है, रैम 8 GB, लेकिन फिर भी कॉल ऑफ ड्यूटी इतनी समुद्री नहीं चलती। तो आई थिंक उसके लिए ब्लू स्टैक सही है और फ्री फायर के लिए यही सही है। तो बस इतना ही आज के लिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।